दोस्तों ने बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा बेहतरीन सा प्लान 35x45 फीट में बना हुआ है ये पूरा मॉडल। और वहीं पर ये दो कॉर्नर पर जो डिजाइन देख रहे हैं, इनको हटा कर 35x45 फीट में ओवरऑल ये पूरा मकान बना हुआ है। तो अगर बात करें इस मकान की, तो एक बेहतरीन सा डिजाइन आपको देखने को मिलता है, फ्रंट एलिवेशन भी आपको बेहतरीन सा मिलता है। तो पूरा डिजाइन आज हम डिस्कस करेंगे बने स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पंचाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों, स्मार्ट हाउस प्लान को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। आज का जो प्लान होने वाला बहुत ही खूबसूरत होने वाला, आप देख पा रहे होंगे मैं इससे पहले भी ऐसा एक प्लान क्रिएट कर चुका हूं। तो अगर फ्रंट की बात करें तो दोनों साइड, बोथ साइड आपको ये घुमटी टाइप का मिलता है जो घर के को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। और पूरे घर पर लंबे से पिलर आपको देखने मिलते हैं, डबल डबल दोनों तरफ पिलर, ये स्टेयर से जहां से आप ऊपर जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, देखिएगा, आप स्टेयर के माध्यम से ऊपर जाते हो, देवी मेन डोर है जहां से आप एंट्री कर पाएंगे। इसका दोनों साइड आपको विंडो मिलती है, आप मेन डोर जैसे एंट्री करते हैं तो अंदर पहुंचते, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको बेडरूम से मिलते हैं। देख पा रहे होंगे अलग अलग डोर मैंने दिया है, अलग अलग विंडो भी दिया है, फ्रंट से भी विंडो दिया था वेंटिलेशन के लिए। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक साइड आपका लेटन बाथ इधर दिया है, इस साइड इधर आपकी स्टेयर से इस साइड ऊपर जाएंगे और कॉर्नर पर आपको चार दो बेडरूम और मिल जाते हैं। और बीच में आपका जो स्पेस बचता है इस पर आपका किचन बड़ा सा बन जाता है। तो फोर बेडरूम्स, बड़ा सा किचन, लेट बात स्टेयर्स और आगे का डिजाइन पोर्च टाइप का जो आप देख रहे हैं, ये आपको बेहतरीन सा देखने को मिलता है इस मॉडल में। तो ये पूरा ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर था जो मैंने बनाकर रेडी किया। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये इसका देखिए फर्स्ट फ्लोर, जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो पूरे डिजाइन सेम है, वही चारों बेडरूम्स, लेट बाथ, किचन, स्टेयर, सब कुछ वही। आगे का लुक आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपको आगे बालकनी मिल जाती है और इस बालकनी में चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है, रेलिंग। लास्ट फ्लोर पर गिद के डिजाइन के पर्पज से चीजें मैंने और क्रिएट कर दी है, बेहतरीन सा डिजाइन आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है। ये देख सकते हैं आपको फिलहाल चारों तरफ से ये क्लोज्ड है, सिर्फ आगे से आपका बेहतरीन सा डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलता है जो मैंने बना रखा है 35x45 फीट में। तो अगर आप भी ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आप हमें कॉन्टेक्ट करें, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होगी, केवल पेड यूजर ही कॉन्टेक्ट करें, इसका विशेष ध्यान रखें। वहां पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50 बाद में देना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन पेमेंट आप तभी करें जब आप हमसे बात कर लें, अन्यथा आप अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।